इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। मरीज तो बढ़ रहे हैं पर आवाम में कोई खौफ डर नहीं दिखाई दे रहा। बेलगाम शहर में तो क्या कोरोना नाम का कोई वायरस है? ऐसा सवाल करेंगे तो अलग नहीं होगा। अब तो लोगों ने मास्क को भी भुला दिया है। शायद कुछ लोग इदारे या अस्पतालों में ही थोड़ा बहुत कोरोना का एहसास होता, वरना कोरोना भी कहीं था क्या? ऐसा सवाल उठता है। बेखौफ मजे में घूमने वाले बेलगाम वालों पर कैसे काबू पाया जाए, ऐसा सवाल भी इंतजामिया के सामने है। पर ये भी कहीं तो नाकाम होते दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि लाठी डंडों की वजह से लोग डर कर घरों में बैठे थे। शायद इसका इस्तेमाल ना होता तो लॉकडाउन भी कामयाब ना होता, ऐसा सवाल खड़ा किया जा रहा। अब जब हुकूमत ने लॉकडाउन का फैसला लिया है तो आवाम में भी मिली जुली राय नजर आ रही है। कईयों ने तो कोरोना पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कोरोना हकीकत है या साजिश है? कभी WHO चीन, तो कभी अमेरिका इसराइल, तो कभी महासत्ता बनने की ख्वाहिश में दुनिया पर लॉकडाउन जैसा अजाब मुसल्लत किया गया। सामाजिक खिदमतगार अयमन रिजवी कहती हैं कि अगर इसमें सच्चाई होती तो लोग बड़े पैमाने पर मरते, पर यह वायरस बहुत ही कमजोर है, यह फ्लू से भी कमजोर है। बाबा रामदेव की कोरोना पर दवाई एक सफेद झूठ कहा जाता है। कहते हैं कि जब इसके तमाम चीजों में मिलावट होती है तो कोरोना की दवा का दावा सरासर गलत है। वाज़ह रहे कि मोदी हुकूमत ने अभी तक किसी तरह की हरी झंडी नहीं दिखाई और ना ही कोरोनील पर कोई बयान आया है। जबकि बाबा रामदेव और मोदी का याराना काफी मशहूर है, फिर भी किसी तरह का जोश दिखाई नहीं दे रहा। वरना तो 2400 घंटे जय जयकार करती मीडिया इस पर खामोश कैसे बैठती? कोरोना आलमी वबा है और पूरी दुनिया इसकी दवा बनाने के पीछे लगी हुई। अगर कोरोना पर दवाई बाबा रामदेव ने बनाई है तो दुनिया भर में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? ऐसा भी सवाल है। ना ही दुनिया भर से इस दवा के लिए मांग है, यानी इसलिए इस दावे को रद्द करते हुए कहा कि अंदरूनी ताकत बढ़ाने के किट को कोरोना की दवा कहकर बेचना गलत है। और जो दावा बाबा रामदेव की जानिब से किया जा रहा है कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कोरोनील देने से सेहतमंद हुए है, जबकि सभी जानते हैं कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों में मरने की तादाद बहुत ही कम है। कहते हैं 200 मरीजों में एक या दो मर जाते हैं। तो सवाल यह भी किया जा रहा है कि क्या रामदेव बाबा की दवा उन उम्रशीदा शदीद कोरोना की बीमारी में मुब्तला मरीजों को दी थी, या फिर नौजवानों को जो वैसे भी बिना दवा के ठीक हो जाते हैं? कानून के शिकंजे में फंस चुके हैं बाबा रामदेव। यह खबर अभी भी आई है कि बाबा रामदेव पर मुकदमा दायर कर चुके। बाबा रामदेव झूठ बोलकर दवा बेच रहे हैं वैसे, और वैसे भी बाबा रामदेव सन्यासी हैं और योग सिखाना इसका काम है, पर झूठ बोलकर धंधा करने का इल्जाम व्यापारी कारोबारी बाबा रामदेव पर लगाया गया। चंडीगढ़ में एडवोकेट नवजीत ब्रार ने पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड और बाबा रामदेव पर मुकदमा दर्ज किया हुआ है। इन्होंने लिखा है कि बाबा रामदेव योग गुरु है, पर इसने भारत की भोली वाली जनता को झूठी दलीलें देकर आयुर्वेद की तरफ मोड़ा, जिसकी दवा यह बनाता है जो झूठ की बुनियाद पर है। गरीब जनता को लूट कर अमीर बन चुका है। नवजीत ब्रार ने कहा कि 24 जून को COVID-19 पर दवा बनाने का दावा भी झूठा है। असल बात तो यह है कि बाबा रामदेव के पास दवाइयां बनाने का कोई परवाना है ही नहीं। क्या हुकूमत की मनचाही और मनमानी रामदेव जैसे ढोंगी बाबाओं को बढ़ावा दे रही है? ऐसा सवाल भी आवाम की जानिब से किया जा रहा है। भगवान लिबास पहनकर करोड़ों की दौलत जमा कर किस तरह बेवकूफ बना रहा है, और आवाम भी आयुर्वेद के नाम पर कैसे ठगी जा रही है, इसका भी तस्करा इस मुतालबे में किया गया है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह।